ओके तो पेज नंबर 10 से द हिंदू न्यूज़पेपर के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, या 18 सितंबर 2018 का न्यूज़पेपर है और न्यू दिल्ली एडिशन है। पेज नंबर 10 से पहले न्यूज़ उठाते हैं, पाकिस्तान अर्ज्ड टू क्रिएट मिल्यू फॉर टॉक्स। यह आपके इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि मोर और लेस अवेयरनेस के लिए है, इसके अंदर कुछ खास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है। अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे उसके बीच में क्या बैकग्राउंड रहा है और क्या स्टेटस था? इंडिया ने स्टार्टिंग में कोशिश करी, जब पीएम मोदी जी आए उन्होंने कोशिश की उनके साथ बातचीत करने की और अच्छे रिलेशंस बनाने की, मतलब कुछ कोशिश की थी कि वो वहाँ पे अचानक से विज़िट पर गए थे, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। पर रिस्पॉन्स में क्या मिला था हमें? टेररिज्म। इस वजह से इंडिया ने अपना एक स्टेटस बना लिया कि वो बात नहीं करेंगे जब तक कि किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा कि वो पाकिस्तान वाकई में टेररिज्म ख़त्म करने की बात करना चाहता है। इंडिया ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ मिनिमम इंटरेक्शन होगा हर तरह से, जब तक कि वहाँ की साइड से एक पॉजिटिव रिएक्शन ना मिल जाए कि पाकिस्तान के इंटेंशन है कि टेररिज्म ख़त्म हो। लेकिन अब बात आई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। अब उन्होंने अच्छे इंडिकेशन दिए हैं, वो बात करना चाहते हैं इंडिया से, रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं और उनका मानना है कि चीज़ें तभी सुधरेंगी जब बातें होंगी। इंडिया भी करना चाहता है लेकिन वो अपना पुराना स्टैंड को बरकरार रखते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वीके सिंह ने कहा है कि हम बिल्कुल बात करेंगे लेकिन अगर जो इन्वायरमेंट है वह कंड्यूसिव होना चाहिए। अभी यूएन जनरल असेंबली के मीटिंग होने वाली है तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत होने की संभावना है। इंडिया की एक्सपेक्टेशंस अभी भी है कि जो साउथ एशिया है वो टेररिज्म फ्री हो और उसके बीच पाकिस्तान इस चीज़ के अंदर मदद करे। लेकिन वही बात है कि इंडियन साइड अभी भी कन्विंस्ड नहीं है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि उसकी इतनी अभी तक एबिलिटी है कि वो इंडिया रिलेटेड इशूज़ पे बात कर सके, वो भी बिना किसी मिलिट्री सपोर्ट के। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर अपनी मिलिट्री से इन्फ्लुएंस्ड रहती है और मिलिट्री नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो। लेकिन बहुत सारे, जैसे ही ये नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, तो बहुत सारे प्रो इंडिया प्रो डायलॉग्स सामने आ रहे हैं कि जो वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो कहते हैं कि इंडिया के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच दूरियां कम हो और पाकिस्तानी आर्मी गवर्नमेंट और वहाँ के लोग भी इंडिया के साथ पीस चाहते हैं। एक और मुद्दा जो कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने जैसा हो सकता है पर बहुत मुश्किल है, वह है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सिख गुरुद्वारा है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे यह सिख कम्युनिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है। यह बिल्कुल, अगर ये पाकिस्तान ये बॉर्डर है, यहाँ पे अगर इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो वो गुरुद्वारा जस्ट यहीं पर ही है जो कि इंडियन साइड से दिखता है। एक गेस्चर, एक गुडविल वाले गेस्चर को करते हुए यहाँ पे घास उग जाती है जिससे पाकिस्तानी लोग काट देते हैं, जिससे कि इंडियन साइड के लोग दर्शन कर पाए। पर वहाँ पे वह जा नहीं सकते भले ही वह इतना पास में है। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वही वीज़ा के इश्यूज़ होते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो इस बात पे भी एक सजेशन दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ इसी गुरुद्वारे के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे जो पिलग्रिमेज है, मतलब जो दर्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इस कॉरिडोर के थ्रू जा सकें। पर अभी ये सब चीज़ें बहुत
पहले से चलती आ रही है डिस्कशन, और डिस्कशन होना ज़रूरी है क्योंकि तभी आके डिसीजन लिए जाएंगे, पर अभी इस चीज़ में बहुत काम होना बाकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री क्लैरिफाइज ऑन न्यूट्रिशन गाइडलाइंस। अब यह भी न्यूज़ अवेयरनेस के लिए है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं और उनको जानना, उनके बैकग्राउंड को जानना इम्पॉर्टेंट है। पहले न्यूज़ देखते हैं क्या है। हुआ क्या था, मेनका गांधी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके बीच में कुछ पोजीशंस देखे गए थे, मतलब एग्री डिसएग्रीमेंट्स देखे गए थे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंदर क्या देना चाहिए। जनरली पैकेज फूड देना चाहिए या फिर रॉ जो अनाज होता है वही दे देना चाहिए। पर मिनिस्ट्री ने अब क्लैरिफाई किया है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन गाइडलाइंस अभी भी कंसीडरेशन के अंदर है, इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, जो भी होगा वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उनको 5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से हर महीने सीरियल्स दिए जाते हैं, और सीरियल्स के अंदर जनरली इंक्लूड होता है राइस, वीट और मिलेट्स, कोर्स ग्रेन जो होते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स और साथ में कुछ कैटेगरीज बच्चों की, बेसिकली डिसेबल्ड बच्चे, पर वो डिफाइन नहीं है तो हम ऐसा ही कहेंगे कि कुछ कैटेगरीज बच्चों की, उन्हें डेली फ्री सीरियल लेने के वो हकदार होंगे। पेज नंबर 11 पर चलते हैं। चाइनीज इंट्रूजन्स डिक्लाइन बाय 10% दिस ईयर सेज ऑफिशियल। तो गवर्नमेंट के कोई सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ का इंट्रूजन 10% डिक्लाइन हुआ है। उनका कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंसिडेंट्स होते थे चाइनीज़ के आने के, इंट्रूजन्स के, वह बहुत कम हुए हैं। और ये किस चीज़ का नतीजा है, एक तो वहाँ पे बढ़ाती हुई मैन पावर का, और साथ में उनको दिए गए पावरफुल सर्वेलेंस इक्विपमेंट, इस तरीके के इक्विपमेंट्स उन्हें दिए गए थे जिससे कि वो सर्वेलेंस अच्छे से कर पाए। ऑफिशियल ने अभी क्लेम किया था जो डोकलाम एरिया है, सिक्किम, भूटान और ये चाइना के बीच एक तिब्बत एरिया के बीच में जो नाथुला पास भी है, डोकलाम एरिया है, वहाँ पे 73 डे तक स्टैंड ऑफ रहा था इंडियन आर्मी और चाइनीज़ की आर्मी के बीच में। स्टैंड ऑफ मतलब कि वहाँ पे चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे और इंडिया ने जाके रोक दिया उन्हें, और वो फिर 73 डेज तक वहीं पर रहे। और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि पता नहीं था कि क्या हो सकता है आगे, वॉर जैसी सिचुएशन, हालांकि वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है, पर यस ये सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन का स्टैंड ऑफ रहा था जिसमें इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं दिखा था। उनका यह भी कहना है कि उसके बाद में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में अच्छे से कोऑपरेशन हुआ था। ये अब प्रॉब्लम होती क्यों है, प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इंडिया चाइनीज़ के जो बार बार जो परसेप्शन होता है कि उनकी टेरिटरी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे आके, जबकि वो इंडियन साइड कहती है कि नहीं यह हमारी टेरिटरी है तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इन परसेप्शन की वजह से ये स्टैंड ऑफ होते रहते हैं।
यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखना ज़रूरी है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है ये, अगर यह इंडिया का मैप है तो इसके ये वाला जो एरिया है एक्साइड चेन वाला जो एरिया है, इसको अगर नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एरिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया है, और यह एरिया इंडिया क्लेम करता है यह उनका एरिया है, और चाइनीज़ भी क्लेम करते हैं या उनका एरिया है, बट लार्जली ये चाइनीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब आप अरुणाचल साइड की साइड अगर मैप देखेंगे तो एक और टर्म आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है यहाँ पे भी चाइना कहता है कि ये उनका एरिया है, पर यहाँ पे लार्जली इंडिया कंट्रोल करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्मार्ट फेंसिंग विल पुट एन एंड टू इन्फिल्ट्रेशन, राजनाथ। तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी, उसका इनॉग्रेशन करा है फर्स्ट फेज़ का। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे फिज़िकल फेंसिंग अभी हो रखी है। फिज़िकल फेंसिंग मीन्स कि सिर्फ एक नॉर्मल कांटों वाली दीवार समझ सकते हैं आप, वही लगाया हुआ है। अब एक कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से राउंड द क्लॉक दिन रात सर्वेलेंस किया जाएगा, और जवानों को बॉर्डर पे खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वेब ऑफ सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन एंड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे डेटा स्टोरेज भी हुआ करेगा। इसका और क्या क्या फ़ायदा है, यहाँ पे वेदर अगर डिफ़िकल्ट है तो आपका वेदर कंडीशंस भी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि अभी पहले ही मेंशन हो चुका है कि फिज़िकली पेट्रोलिंग के लिए बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम रिलाय करेंगे थर्मल इमेजिंग के ऊपर। थर्मल इमेजिंग मतलब हो जाएगा आपका, अगर रात में भी सर्वेलेंस करना होगा तो आराम से हो पाएगा। इंफ्रारेड एंड लेज़र बेस्ड इंट्रूडर अलार्म्स, तो अगर कोई इंट्रूडर अगर आ भी रहा है तो अलार्म्स बज जाएंगे, रात में आ रहा है तो इंफ्रारेड वाले कैमराज लगाए जाएंगे, जो रात में नाइट विजन वाले कैमराज जो रात में भी इमेज कैप्चर कर सकते हैं। टोटली अभी 2026 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा जो अभी वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कि वहाँ से इंट्रूजन हो जाता है, लोग ये टेररिस्ट और इन सब का खतरा रहता है, वो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। लेकिन डिजिटल फेंसिंग अगर हो जाएगा तो उन टेररिस्ट के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा इन्फिल्ट्रेट करना। यह अच्छा स्टेप है जीएस पेपर 3 के अंदर टॉपिक सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म से यह रिलेट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग फॉर क्लियर पॉलिसी ऑन जूम कल्टीवेशन। सबसे पहली बात, ये झूम कल्टीवेशन होता क्या है, इसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो एक एरिया है यहाँ पे, अभी वाइल्ड पेड़ हैं, जंगली पेड़ हैं, अभी एक तरह से फॉरेस्ट का एरिया मान लीजिए, और यहाँ पे आ जाते हैं लोग, उस एरिया को वो जला के या फिर काट के क्लियर करके एग्रीकल्चर करते हैं। अब इन्होंने काफ़ी क्रॉप्स उगा ली और दो तीन बार क्रॉप्स उगा ली, अब इसके अंदर जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे दूसरे एरिया में, इस एरिया को वो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वो दूसरे एरिया को साफ करके अपनी क्रॉप्स उगा लेंगे। तब तक क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी थी वो आ जाएगी, जो फर्टिलिटी चली गई थी वो इसके अंदर वापस आ जाएगी। और तब तक यहाँ पे क्या होगा, कई बार क्रॉप्स उगाने के बाद सेम चीज़ कि यहाँ पर फर्टिलिटी चली जाएगी, फिर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी आ चुकी है, और तब तक ये यहाँ पे काम करेंगे तब तक यहाँ पे फर्टिलिटी आ जाएगी,
और ये रोटेशन ऐसे ही चलेगा, फिर उसके बाद ये लोग वापस इधर आ जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट यह है, यह जनरली आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इशू यह है कि नीति आयोग कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्जेंस नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग पॉलिसी बनी हुई है कि झूम कल्टीवेशन होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर डाल रखा है झूम कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस करते हैं। एरिया अभी ठीक से कोई अलग तरह से डिफाइन कर रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है, और इसकी वजह से जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट मिशन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के अंदर ये सब चीज़ों के बारे में इशू निकाला है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस लैंड पे होती है उसको एग्रीकल्चरल लैंड की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, और यह तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वह यही फॉलो करते हैं। 2000 से 2010 के बीच में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर 70% तक की गिरावट देखी गई है कि लोग कल्टीवेट करना छोड़ दिया। साथ ही रिपोर्ट ने और भी इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करी है, जैसे कि अब इन कम्युनिटीज़ को एक ही क्रॉप उगाएंगे तो पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ब्रॉड करके इन कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए, और साथ में यह भी कहा है कि जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनको लीगली कैटेगराइज करना चाहिए एज अ रीजनरेटिंग फैलोज, और साथ में फिर इस यह भी करना चाहिए कि उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, मतलब किसी तरीके के छोटे मोटे जो लोन हो सकते हैं वो लेना, जिससे कि वो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकें। एक तरह से नॉर्मल फार्मर को जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीड, फर्टिलाइज़र, ये सब खरीदने की, उसी तरह से इन लोगों को भी सबसे पहले तो लीगल एंटिटी बनाओ और फिर उसके बाद इनको भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ। पेज नंबर 12 पर चलते हैं। यह लार्जली अवेयरनेस के लिए है, बस थोड़ी सी न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड है तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नो प्रिफ्रेंशियल डील फॉर EU सिटीजन्स। अब यहाँ पे ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में ब्रेक्सिट हो रहा है, मतलब अगर ये सारा पूरा यूरोपियन यूनियन में ये सारे नेशंस आ जाते हैं, आपका ब्रिटेन आ जाता है, स्पेन, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ये सारे यूरोपियन यूनियन में आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन है वो इस यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता है, जिसकी वजह से जो भी रूल्स हैं जो पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के ऊपर लगे हुए थे, अब ब्रिटेन अपने खुद के रूल्स बनाएगा, जिसके अंदर से इशू था इमिग्रेशन का। तो इमिग्रेशन के बीच में उन्होंने यही है कि जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं और नॉन यूरोपियन यूनियन वाले जो सिटीजन हैं उनके बीच में कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, तो उनका कहना यही है कि यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन जो है उन्हें सेम इमिग्रेशन राइट्स होंगे उनके पास, और जिसके अंदर इंक्लूड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। साथ में दूसरी न्यूज़ है, IMF वॉर्न्स UK अगेंस्ट नो डील ब्रेक्सिट। तो IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने UK को वॉर्न किया है कि ब्रिटेन EU को छोड़ तो ज़रूर रहा है और वो भी बिना किसी डाइवर्स एग्रीमेंट के, इससे वह ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही सब्सटेंशियली सफ़र करेगी।
और हो सकता है कि वो WTO के जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट कर दे। आसान भाषा में ये समझिए, अगर ब्रिटेन EU को बिना किसी डील के छोड़ता है, उसका मतलब यह हो जाएगा कि अभी जो प्रपोज्ड किया गया है कि 21 मंथ का एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है, जिसके बीच आप ट्रांजिशन हो जाएगा, जिसके अंदर धीरे धीरे जो भी चेंजेस आएंगे वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, और जो बिज़नेस वाले लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें टाइम मिलेगा चेंजेस से डील करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर विदाउट डील ब्रेक्सिट होता है तो कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं होगा, और तुरंत ही सारे बिज़नेस और ट्रेड वाले जो लोग हैं या पब्लिक बॉडीज़ हैं उन्हें इमीडिएटली जो भी चेंजेस आएंगे EU को छोड़ने के बाद उन्हें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? यह एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके बहुत सारी कंट्रीज़, 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं। इसका काम होता है अपने मेंबर स्टेट्स के बीच में मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनको बढ़ाना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी 164 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका काम होता है जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रेड जो होता है गुड्स सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ों का वो WTO रेगुलेट करता है। और साथ में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह को नेगोशिएट करना, उन उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क वो प्रोवाइड करता है। साथ में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी सुलझाने के लिए रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट न्यूज़ अवेयरनेस के लिए है, डिसीजन ऑन टैरिफ्स विल बी अनाउंस्ड सून। तो ट्रंप और ये चाइना और अमेरिका के बीच में ये टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है, और इसका असर पूरे वर्ल्ड की करेंसीज पे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी 10% ड्यूटी जो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं, $200 बिलियन का जो इम्पोर्ट होता है उस पर 10% ड्यूटी लगाने के इंडिकेशन दिए हैं, और इससे ट्रंप का कहना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि स्टील इंडस्ट्री उनकी रिवाइव हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, यह भी अवेयरनेस के लिए, किम इन अ नॉड टू पाकिस्तान वर्क्स टू नॉर्मलाइज न्यूक्लियर स्टेटस। तो नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जब US प्रेसिडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने नेगोशिएट किया कि वह अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एविडेंसेस कह रहे हैं कि सैटेलाइट वगैरह से उन्होंने एविडेंस गैदर किए हैं कि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया कह तो रहा है कि कर देगा, लेकिन वह शांति से न्यूक्लियर वेपन्स और इन सब न्यूक्लियर फ्यूल इन सबको बना रहा है, और लेकिन बोल रहा है कि वह नहीं करेगा। यह जो मॉडल है, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को मिमिक करता है, कॉपी करता है, जिसने खुद बोलता रहा कि पाकिस्तान की वह न्यूक्लियर उसके पास नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपना मेजर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 के अंदर। सिमिलर स्ट्रेटजी किम, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं, डिक्टेटर हैं एक तरह से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की है कि जब पाकिस्तानी यह सब इस तरह से किया था तब काफ़ी सैंक्शंस उसके ऊपर लग गए थे, और उसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी
ज्वाइन करने से भी मना किया था। अब ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी है क्या? न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी कहती है कि बिल्कुल डिसआर्ममेंट हो जाए, किसी भी तरह का न्यूक्लियर चीज़ किसी भी स्टेट के अंदर ना हो, बिल्कुल रखा ना हो, और अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना भी है तो पीसफुल यूज़ के लिए किया जाए। साथ में इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसका स्प्रेड ना हो और ना ही प्रमोशन हो। पर नॉर्थ कोरिया इसका पार्टी नहीं है और इंटरेस्टिंगली इंडिया भी नहीं है। मुझे डेट तो याद नहीं, पर इंडिया कहता है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि जिस डेट एक पर्टिकुलर डेट दे दिया है इस ट्रीटी के अंदर कि इस डेट से पहले जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं तो वो लोग तो पार्टी है, वो लोग मतलब रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, पर जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर डेट से बाद में टेस्ट किया है तो उनको कम्प्लीटली गिव अप करने पड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके अंदर इंडिया कहता है कि उसने तो रिसेंटली मतलब आसपास ही किया था। पर यस, इस वजह से वो कहते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर हमारे जो नेबर्स हैं चाइना पाकिस्तान, तो ये हमारे लिए इम्पेरेटिव ही हो जाता है कि अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए इनको रखना। पर इंडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के मामले में। नो फर्स्ट यूज़ इंडिया करता है, मतलब जब तक इंडिया के ऊपर अटैक नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी और पर नहीं करेगा। इसी ट्रस्ट की वजह से आज हमें कई अलग अलग तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। पेज नंबर 13 से बिजनेस न्यूज़, देना बैंक विजया बैंक बीओबी टू मर्ज। यह न्यूज़ हम देख चुके हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मिनिस्ट्रियल पैनल मीटिंग, जिसे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, ये याद करने वाला फैक्ट है। तो उन्होंने यही प्रपोज़ल दिया है कि इन बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए, पर अभी बैंक्स के भी अप्रूवल का इंतज़ार है कि बैंक क्या रिस्पॉन्ड देते हैं इस प्रपोज़ल के ऊपर। पर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर पैनल का तो यही मानना है कि यह एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिस हिसाब से NPAs बढ़ रहे हैं और उनको टैकल करने के लिए यह अच्छा तरीका है। लास्टली उन्होंने यही कहा कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल है, जैसे कि ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल की जो रेट्स हैं वो नेट इंपोर्ट होता है हमारे से, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो उसकी प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, या एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सेकंड है जो ट्रेड वॉर, अभी हमने देखा था कि चाइना के ऊपर US टैक्स लगाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ है, और चाइना बहुत ही करीब है जियोग्राफिकली इंडिया से, तो अगर उसे इफ़ेक्ट करेगा तो यह इंडिया को भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। तो बस यही इंतज़ार हो रहा है कि ये ट्रेड वार भी ख़त्म हो जल्दी से जल्दी। एंड अगेन, यह भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर भी अवेयरनेस के लिए, इन Q1 गवर्नमेंट बैंक्स NPAs श्रैंक बाय 21,000 करोड़। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर रिड्यूस हो गए हैं। अच्छा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, अगर आप किसी बैंक अगर लोन देती है किसी पर्सन को, एंटिटी को, कंपनी को, तो उस इन रिटर्न में मिलता है आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल, जो आप पैसे दिए हैं वो उस पे आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो भी वापस आता है। पर जब यह वापस नहीं आ पाता है, मतलब ये जो एसेट्स हैं वो कन्वर्ट होकर लायबिलिटी बन जाते हैं, जब पैसे ही नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं, उसी को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। RBI के डेटा के हिसाब से अभी NPI बढ़ते ही जा रहे थे 3 साल तक, और 15.6% तक टच कर दिया गया। पेज नंबर 14 पे न्यूज़, ये न्यूज़ हमने डील कर ली थी। पेज नंबर 1 पे ऑटोमेशन से रिलेटेड है ये, कि कैसे ह्यूमन की जगह मशीन्स लेती जा रही हैं। यहाँ पर एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया कि इंडियंस ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया है कि AI का यूज़ या फिर ऑटोमेशन का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें और ह्यूमन बना देता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसका
आप कह सकते हैं रोबोट वाला काम, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा काम, ह्यूमन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचना, थिंकिंग, ये हाई ऑर्डर थिंक वाली जो चीज़ें होती हैं, यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और अगर इनका ऑफिस के अंदर यूज़ किया जाता है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह अच्छा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है और परफॉर्मेंस रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने देखा कैसे ये जो ऑटोमेशन है और दोनों चीज़ें बन सकता है, फ़ायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स। और लास्ट पेज यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जानने की है कि ओइस्टर जो होता है वो पॉल्यूशन ट्रैकर की तरह काम कर सकता है, पॉल्यूशन को वो ट्रैक कर सकता है, एक इंडिकेटर बन सकता है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि अब पॉल्यूशन की हद हो रही है, और ये रियल टाइम में बता सकता है, मतलब जब नुकसान हो जाएगा तब नहीं, रियल टाइम पर कि हाँ अब पॉल्यूशन बहुत होने वाला है, अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी इस पर स्टडी चल रही है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। तो यही था आज का द हिंदू। थैंक यू।